एक बार फिर से मैं लेके आ गया हूँ एक ऐसा कॉन्सेप्ट और एक ऐसी मशीन जो भाई लोगों का पहला प्यार था एक टाइम पे। लोग यामा आरएक्स 100 को इतना पसंद करते थे कि भाई बॉलीवुड की फिल्मों से लेके और गानों तक यामा आरएक्स 100 ही दिखाई दिया करती थी, और यामा आरएक्स 100 लोगों की पहली पसंद हुआ करती थी उस टाइम पर। और स्टंट मारने जो सीखे थे ना लोगों ने, वो भाई यामा आरएक्स 100 से ही सीखे थे, क्योंकि यामा आरएक्स 100 भाई एक ऐसी बाइक रह चुकी है कि भाई इसका नाम ऐसा उठा था बॉलीवुड की फिल्मों में और भी बहुत सारी जगह कि भाई यामा आरएक्स 100 हर जगह दिखाई दिया करती थी। और लोगों की आज भी पहली पसंद जो है वो यामा आरएक्स 100 ही है। और भाई इसके अंदर इतनी सारी खूबियां हैं और इतनी सारी खूबियां आती थी उस टाइम पे, भाई आप सोच भी नहीं सकते। क्योंकि पहले जो है वो गियर में बहुत सारी बाइक जो है वो गियर में से न्यूट्रल करना पड़ता था, फिर उसके बाद स्टार्ट हुआ करती थी। लेकिन ये अकेली एक ऐसी बाइक थी उस टाइम पे जो भाई गियर के अंदर भी स्टार्ट हो जाती थी। और इसमें कई मॉडल आते थे, एक यामा आरएक्स 100 जो कि ये मेरे सामने खड़ा हुआ है, ये बहुत ज़्यादा पुराना मॉडल है, भाई ने हमारे जो है वो तैयार करवाई हुई है ये बाइक। और एक आती थी आरएक्स 135 फाइव गियर के साथ, एक आती थी आरडी 350। भाई आरडी 350 के भी बहुत ज़्यादा लोग दीवाने हैं और दीवाने रह चुके हैं। तो भाई इसके बारे में मैं धीरे धीरे आपको बताऊंगा इसमें क्या क्या चीज़ अलग से लगवाई है और क्या क्या चीज़ इसके अंदर ऑलरेडी आती है। तो भाई इधर आओ, मैं आपको दिखाता हूँ सबसे पहले भाई इसका मीटर। तो भाई मीटर इसका देखो इस तरीके का है, कोई डिजिटल टाइप का नहीं है, मतलब ऑन कर दोगे तो सिर्फ लाइट जलती थी, लाइट अभी काम नहीं कर रही है इसकी। भाई ने इसका हैंडल जो है वो चेंज करवाया हुआ है। भाई इतनी पुरानी बाइक ये 1992-1993 मॉडल है भाई, लेकिन देख के किसी भी एंगल से नहीं लग रहा है कि भाई इतनी पुरानी बाइक होगी। और इसमें साइलेंसर देखो जरा कितना बढ़िया लगाया हुआ है भाई, लेकिन इसमें से ना आवाज़ बहुत अच्छी आती है। अभी मैं इसे चला के लेकर आया था तो भाई मज़ा ही आ रहा था जो साउंड में आ रहा था ना, और जो स्मूथनेस इसके अंदर आज भी है ना भाई, मज़ा ही आ गया कसम से। ये हैंडल के साथ साथ मैं आपको बता दूं इसके अंदर भाई ने क्या क्या चीज़ लगाई हुई है। देखो ये भाई ने क्लिप जो है वो लगवाए हुए हैं ब्रेक के लीवर, और डिस्क ब्रेक भी इसके अंदर लगवाए हुए हैं भाई साहब, बहुत अच्छी तैयार करवाई हुई है बाइक। डिस्क ब्रेक प्रॉपर काम कर रहे हैं बढ़िया तरीके से। और इसमें साइलेंसर भाई पूरा ही चेंज है साइलेंसर, ये देखो इसकी आवाज़ भी सुनाऊंगा आपको थोड़ी देर के बाद भाई पूरी की आवाज़ कितनी खतरनाक और कितनी बढ़िया आवाज़ आ रही है उस टाइम के हिसाब से। और ये भाई टू स्ट्रोक बाइक हुआ करती थी आरएक्स 100। एक इसके अंदर लाइटिंग वाइटिंग का भी, ये पेंट जॉब जो आप देख रहे हो पूरा पेंट वेंट और स्टिकर वगैरह ये सारी चीज़ भाई ने हमारे नई करवाई है पूरी। टायर इसमें नए लगवाए हुए हैं भाई ने, अगले पिछले दोनों। इंडिकेटर भी जो आरएक्स 100 में आते थे वही इंडिकेटर भाई ने यूज़ किए हुए हैं। और इसके अंदर शॉकर दूसरी बाइक के इसके अंदर यूज़ किए हैं, क्योंकि थोड़ा सा यार इसीलिए हल्की सी पीछे से उठी हुई नज़र आ रही है, क्योंकि उस टाइम पे शॉकर इसमें जो आते थे वो आते थे स्टील के, और मतलब क्रोम टाइप की इसमें फिनिश हुआ करती थी। और गियर लीवर भी शायद ये दूसरी बाइक का ही है, इसका नहीं है। और फ्रेम भी इसका कलर करवाया हुआ भाई ने, और इसमें ये जैसा बुलेट में लगवा लेते थे ना फिल्टर, तो ये फिल्टर अलग से लगवाया हुआ है भाई। टैंक, हैंडल, गियर लीवर, ब्रेक लीवर सारी चीज़ भाई ने चेंज करवाई है। और इसमें प्लस एलॉय भी लगवाए हुए हैं भाई, ये देखो ये एलॉय लगवाए हुए हैं इसके अंदर, जबकि एलॉय इसके अंदर जो है वो आए ही नहीं कभी भाई। इसके अंदर जो है वो लोहे की तीलियां आती थी, तीली वाले वो आते थे पहले। टायर, अब इसकी आवाज़ भी मैं आपको सुनाऊंगा थोड़ी देर के बाद। और सबसे पहले तो भाई अगर ये आपको बाइक पसंद आई हो या फिर यामाहा आरएक्स 100 जो लवर है मेरे भाई, वो फटाफट लाइक कर दो और शेयर करो वीडियो अपने दोस्तों के साथ जो भाई लाइक करते हैं यामाहा आरएक्स 100 को। और इसकी आवाज़ भी सुनाऊंगा, एक आध छोटी छोटी इसकी फ्लाई बाई भी दूंगा आपको। और एक चीज़ और बताना, इम्पॉर्टेंट बात जो है वो बताना भूल गया, इसमें जो गियर आते थे ना भाई, वो उस टाइम पे पहला गियर नीचे पड़ता था बाकी गियर ऊपर पड़ते थे, और अभी भी इसमें ऐसा ही है। उसके बाद जो है आना शुरू हुए हैं, वरना ज़्यादातर सारे बाइक्स के अंदर चार गियर तीन गियर इससे ज़्यादा आते ही नहीं थे, स्कूटर वगैरह में भी गियर इतने ही आते थे भाई। इसके अंदर आप ये जो शॉकर और ये भाई एलॉय जो देख रहे हो ना, ये पता है कौन सी बाइक के हैं भाई? गैस करो कौन सी बाइक के हो सकते हैं इसके अंदर ये अगले शॉकर। भाई ये अगले शॉकर जो है वो अपाची बाइक के हैं, अपाची जो टीवीएस की आती है, और ये एलॉय भी अगले जो है वो अपाची के ही हैं। और पीछे का आप एलॉय एक बार देख लेना, पीछे का एलॉय और पीछे के ये जो शॉकर आपको नज़र आ रहे हैं, एक बार दिखा देता हूँ दूसरी साइड से भी, पीछे का एलॉय और पीछे के शॉकर ये भी अपाचे का पूरा सेट है भाई। कौन कौन सी बाइक को तोड़ मरोड़ के भाई इस बाइक को तैयार किया गया है, और भाई मज़ा आ गया कसम से देख के। ये देखो प्लग का एडाप्टर भी इसके अंदर चेंज किया हुआ भाई ने, देखो क्या मज़ेदार येलो कलर का लगाया हुआ है। और इसके अंदर मैं आपसे एक चीज़ और बोलने वाला था कि भाई गवर्नमेंट ने आजकल मतलब वही 10 साल 15 साल वाला जो चक्कर डाला है,
तब से जो है पुरानी बुलेट और पुरानी इस टाइप की बाइक भाई रोड पे दिखाई नहीं देती है। अब लोग जो है वो परेशान हो गए हैं। आप इस बात से कितना इत्तफाक रखते हैं भाई, मुझे कमेंट करके बताओ कि मतलब गवर्नमेंट ने फैसला जो लिया है वो सही लिया है या फिर गलत लिया है। इसकी वजह से, इस फैसले की वजह से बहुत सारी ऐसी विंटेज टाइप की बाइक जो है वो विलुप्त हो गई हैं, ख़त्म हो गई हैं। लोग जो है वो ख़रीदने से और तैयार करवाने से भी डरते हैं। फिलहाल दिल्ली में तो यही प्रॉब्लम है सबसे ज़्यादा। कमेंट करके मुझे बताओ भाई आपके स्टेट में ये दिक्कत है या नहीं है। तो भाई सुनी आपने आवाज़, इसकी भाई कैसी थी, कितनी खतरनाक और करारी आवाज़ थी भाई, कानों में चुभने लगी थी इसकी आवाज़। तो भाई मुझे बताओ फटाफट कमेंट करके भाई, इसकी आवाज़ वैसी ही बरकरार है या नहीं है। तो मिलता हूँ अगली वीडियो में।